डॉक्टर करण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी सभी पार्टियां जो सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो चाहती हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और पीएम मोदी से भी वो इस विषय पे जो है बात करने वाले हैं। आपका क्या टेक है? मैंने तो बड़े आरंभ से ही ये डिमांड की थी कि मैं तो चाहता था कि चुनाव से पहले स्टेटहुड मिल जाए, ताकि जो चुनाव हो वो यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं हो के पूरे राज्य के लिए हो। वो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे आशा है कि शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार इसको, इस कार्य को पूरा करेगी। तभी जाके ये जो सारा इस बार वो प्रजातांत्रिक 10 साल के बाद आरंभ हुआ, तब जाके वो पूर्ण होगा जब स्टेट बनेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है और आशा है कि अब बहुत जल्द बन जाएगा। सर, स्टेटहुड स्टोर होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन जो है पूरे जम्मू कश्मीर दोनों खितों के लोगों की और एस्पिरेशन से जुड़ी? एब्सोल्युटली, इसमें कोई जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, चाहे जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों चाहे कहीं के भी हों, वो सब चाहते हैं कि भी हमें स्टेटहुड मिल जाए, क्योंकि हमारी रियासत एक मुकुट था भारतवर्ष का। अब मुकुट को बनते बनते अब वो तो हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गई स्टेटस में, तो उसे स्टेटस अपना मिलना चाहिए। आपने एक बात कही अभी, आपने कहा कि जो लोग विलेन थे आज वो हीरो बन गए हैं। छोड़िए, वो तो ऐसे ही कहने की बात है। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन में, प्रजातंत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। आज एक आदमी जेल में है, कल वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए ये मैंने अपने जो आपका संकेत कहने का नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं, नहीं ऐसे किसी विशेष कार्य के नहीं, जनरल बात की मैंने। अच्छा सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, खासकर उमर अब्दुल्ला ने 370 स्टोर करने पे जो है बल दिया, चुनावों में उनका ये एक मेन मुद्दा था, अब वो जैसे उन्होंने यू टर्न लिया, आप कैसे देखते हैं? यू टर्न तो नहीं, वैसे व्यवहारिक नहीं है 370 को वापस लाना। मुझे लगता है कि अगर वो व्यवहारिकता देख रहे हैं और परिस्थिति को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा समझदार हो गए। जम्मू कश्मीर की राजनीति को आज आप कैसे देखते हैं, जबकि नई हुकूमत? मैं बोलूँगा, आज मुझे जाना है, आज जहाज भी पकड़ना है। राजनीति में परिवर्तन आया है, राजनीतिक परिवर्तन आया है 10 वर्ष के बाद। हम चाहते हैं कि अब जो भी सरकार बनी है वो सफल हो, स्थायी हो और लोगों का भला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर करण सिंह, जिनका साफ कहना है कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और ये मांग उन्होंने पहले ही उठाई थी कि ये चुनावों से पहले ही होना चाहिए था। कैमरामैन आशु के साथ राजन भाई, न्यूज़ 18 जम्मू।